हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन है तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन के जो सिस्टम नोटिफिकेशन होते हैं उन्हें आप कैसे बंद कर सकते हैं। देखिए, सिस्टम नोटिफिकेशन होते क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, हमारे मोबाइल फोन में यानी कि एंड्रॉयड फोन में काफी सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि अमेजोन, व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट वगैरह काफी सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो उनके नोटिफिकेशन अगर हमारे फोन में आते हैं तो उन्हें हम इजिली बंद कर पाते हैं, जैसे कि फोन की सेटिंग में जाके अपने नॉर्मली एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को हम बंद कर पाते हैं। लेकिन जो एंड्रॉइड सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आते हैं उन्हें हम बंद नहीं कर पाते हैं। जो कि नोटिफिकेशन बार बार आते हैं एंड्रॉइड सिस्टम के, और काफी सारे नोटिफिकेशन पैनल में वो एंड्रॉइड सिस्टम के नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये एंड्रॉइड सिस्टम की जो नोटिफिकेशन है इन्हें मैं आपको बंद करने का तरीका बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको करना क्या है कि आपके फोन में ना एंड्रॉइड फोन में ये फाइल का ऐप होता है, ये फाइल्स, ठीक है, ये गूगल फाइल का ऐप होता है, इसे ओपन करना है, ठीक है। तो देखिए, इस फाइल के ऐप में आपको नीचे की साइड ना एप्स का ये ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। अब इस पेज में देखिए, सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। देखिए, अब ये आपके एंड्रॉइड फोन के सिस्टम ऐप्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। ये देखिए, काफी सारे होते हैं, जैसे 3 बटन नेविगेशन बार, अकाउंट सेंटर या अकाउंट सर्विस, एड प्राइवेसी, ठीक है। तो ये काफी सारे आपके एंड्रॉइड सिस्टम के ऐप्स होते हैं जो कि आपके डिस्प्ले पे शो नहीं होते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि इन सभी के नोटिफिकेशन हमारे फोन में रिसीव होते हैं, बार बार होते रहते हैं, काफी सारे इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो आपको इन्हें ऑफ करने के लिए करना क्या है, यानी कि नोटिफिकेशन को ऑफ करने के लिए करना क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला एप्लीकेशन ले रहा हूं, एंड्रॉइड सिस्टम, ये जो ऑप्शन है एंड्रॉइड सिस्टम का, इसे सिलेक्ट करना है। अब देखिए, इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है मैनेज नोटिफिकेशन, मैनेज नोटिफिकेशन पे टैप करना है। अब देखिए, इस पेज में आपको जो है सबसे ऊपर ये बटन्स मिल जाते हैं, अलाउ नोटिफिकेशन, ठीक है। अलाउ नोटिफिकेशन के सामने ये जो बटन्स चालू होते हैं ना, इन्हें आपको ऑफ करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पर जो है जिस जिसके ये जो अलाउ नोटिफिकेशन के बटन शो हो रहे हैं ना, तो इन्हें आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। तो देखिए, इनके नीचे वाले भी जो बटन्स है इन्हें भी ऑफ कर देना है और इसे भी ऑफ कर देना है, ठीक है। अगर ये यहां पे ऑफ नहीं हो रहा है ना, जैसे कि देखिए ये बटन ऑफ नहीं हो रहा नोटिफिकेशन का, तो दूसरे किसी एप्लीकेशन यानी दूसरे किसी ऊपर नीचे, जैसे ये एंड्रॉइड स्विच है, तो इसे आपको सिलेक्ट करना है। तो इसके अंदर आपको जो है सभी में अलाउ नोटिफिकेशन मिल जाता है, ये शो होता है बटन, तो इन बटन्स को ऑफ करना है इस तरीके से, ठीक है। ये जितने भी ऑप्शंस होते हैं ना यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए एंड्रॉइड सिस्टम इंटेलिजेंस, इसे भी सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशन टैप करना है, अब ये अलाउ नोटिफिकेशन बंद कर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी सभी ऑप्शंस के जो नोटिफिकेशन है उन्हें भी आपको बंद कर देना है इसी तरीके से, जिससे क्या होगा कि इसके बाद आपके एंड्रॉइड सिस्टम की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे नहीं आएगा, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन पैनल होता है ना यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। काफी सारे आते रहते हैं एंड्रॉइड सिस्टम की तरफ से, काफी सारे अलग अलग नेम्स होते हैं, जैसे कि आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग नेम से जो है अलग अलग जो है नोटिफिकेशन रिसीव होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कैरियर, लोकेशन, सर्विस, इसकी तरफ से भी कई बार जो नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। काफी सारे इसमें एंड्रॉइड सिस्टम के ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनके नोटिफिकेशन हमारे फोन पे रिसीव होते रहते हैं। तो इस तरीके से आप एक एक करके इजीली इन्हें ऑफ कर सकते हैं, जिसके बाद नोटिफिकेशन नहीं आएगा एंड्रॉइड सिस्टम नोटिफिकेशन, ठीक है।